Hello friends, so today I am going to share an important information regarding trombopathy. And dosto, this is one of the reasons that why you should invest in trombopathy. And the reason is trombopathy. So दोस्तों डिटेल में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार आपको टोगो कंट्री का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ ताकि आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन इजीली समझ आ जाए। दोस्तों अगर जियोग्राफिकल लोकेशन देखा जाए टोगो कंट्री का तो टोगो कंट्री के ईस्ट में बेनिन कंट्री है, टोगो कंट्री के वेस्ट में घाना है, टोगो कंट्री के नॉर्थ में है बुर्किना फासो और उसके साउथ में है अटलांटिक ओशन। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस अटलांटिक ओशन टोगो कंट्री हैज डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द सी एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द सी टोगो कंट्री हैज मेनी एडेड एडवांटेजेस। और अगर ऐसे में आप यहाँ पे आपका बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस को भी ये सारे एडेड एडवांटेजेस मिलेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल रीजन एंड लोकेशन है वो बहुत ही यूज है। मोर ओवर इंडिया के पास उसके खुद के रॉ मटेरियल है। सो इंडिया में जो बिजनेस होता है वो स्टेट टू स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी या विद इन स्टेट होता है। अब इसको मैं अगर कंपेयर करूँ टोगो कंट्री के साथ तो टोगो कंट्री का जो जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एरिया है वो बहुत ही छोटा है। मोर ओवर टोगो के पास अपने खुद के रॉ मटेरियल नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो रूटीन चीजें भी है या डेली बेसिस की जो चीजें है वो भी वो इम्पोर्ट करके बाहर से लेके आते हैं। तो इसीलिए टोगो कंट्री में हजारों तादाद में एवरी डे बड़े बड़े शिप्स, कंटेनर, वेसल्स यहाँ पे लोड होते हैं। सो दोस्तों ऐसे में अगर टोगो कंट्री के पास उसका खुद का पोर्ट है तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है टोगो कंट्री के लिए। और अगर ऐसे में आप यहाँ पे बिजनेस करते हो तो वो आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद। तो दोस्तों आइए देखते हैं टोगो। फ्रेंड्स मैंने अभी जो आपको बताया कि दिस इज द गेटवे, लोमे इज द गेटवे ऑफ ऑल द बिजनेसेस व्हिच इज हैपनिंग इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सो व्हाई मैंने गेटवे बोला, सो गेटवे बोलने के पीछे का या गेटवे होने का एक रीजन, बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जितने लैंडलॉक कंट्रीज है जैसे कि माली है, निजेर है, वो सारी कंट्रीज या आजू बाजू के जितने छोटे कंट्रीज भी है वो सब आते हैं लोमे में अपना मटीरियल लेने या लोमे में जो उनके कंटेनर्स आके रुके हैं वो कंटेनर्स को डिस्पैच करने के लिए और उनका बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप बिजनेस ज़रूर करें बट वहाँ पे करें जहाँ पे आपके लिए एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ यू नो सच कंट्रीज और सच प्लेसेस वेयर यू कैन गेट मैक्सिमम एडवांटेज एंड देन मैक्सिमम प्रॉफिट। सो दोस्तों आप ज़रूर ज़रूर लोमे एंड टोगो कंट्री में बिजनेस करने का एक अच्छा फैसला या अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ले सकते हो एंड टेक द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे शिप्स है जो कि आगे खड़े हैं। ये टोगो का लोमे का पोर्ट है जहाँ पे आई डोंट नो आप इफ यू आर एबल टू सी और नॉट बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिप्स है जो आके रुके हुए हैं। और मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ कि ये जो शिप्स है या जो कंटेनर्स है वो उसका जो पोर्ट है वो पोर्ट एकदम पास में ही है बीच से। सो चलिए मैं आपको उधर भी ले चलती हूँ।
दोस्तों मैं आपको लोमे पोर्ट का नाइट व्यू दिखाना चाहती हूँ। ये 24/7 रन रहने वाला या काम करने वाला पोर्ट है और उसका कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आसपास के जो लैंडलॉक कंट्रीज है, माली है, निजेर है और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि लोमे में आके लोगों में आके अपना बिजनेस करते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे कंटेनर्स यहाँ पे आके रुके हुए हैं और कितना ही व्यस्त और बिजी पोर्ट है ये, जो कि लोमे का सबसे बेस्ट पोर्ट है। सो आप डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस के लिए आ सकते हो बिकॉज दिस इज द गेटवे एंड दिस हैज द गुड एडवांटेज एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइट्स आपको दिख रही है जो कि एक ब्रिज जैसा दिख रहा है, पर दोस्तों ये कोई ब्रिज नहीं है, ये सारे शिप्स है जो टोगो का जो समंदर है वहाँ पे आके रुके हैं, एंकर होके रुके हैं और पोर्ट में अनलोड होने के लिए क्यू में है, वेटिंग में है दोस्तों। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे हर रोज कितने कंटेनर्स आते हैं और कितना ही अच्छा बिजनेस यहाँ का है, कितना बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। अगर आप अफ्रीका में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कंपनी सेटअप करना चाहते हो, बिजनेस एक्सेलरेट करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बिजनेस इन अफ्रीका प्रोग्राम, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे थ्रू अवर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड राइट गाइडेंस टू टेक योर बिजनेस।